दिल्ली में दंगा खत्म हो गया है, लेकिन दंगे के दर्द में अब सियासी पार्टियां अपने अपने मौके तलाश रही हैं। सीए एनआरसी पर लगातार भ्रम फैलाने वाले, मुसलमानों के भड़काने वाले ओवैसी ने दिल्ली दंगों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी को सरकार की चुप्पी चुभ रही है। इंडिया टीवी रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने सरकार को किन किन पॉइंट्स पर घेरा, आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में हमने देखा कि हिंसा भड़की, आगजनी हुई। केंद्र सरकार और बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के लोगों ने दिल्ली में हिंसा को भड़काया, ट्रंप के दौरे के मद्देनजर। देश का प्रधानमंत्री को विपक्ष का लीडर है, देश का गृह मंत्री को विपक्ष का लीडर है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अपोजिशन ने बनाया है, वो जो MLA जो बयान दिए थे, एक अल्टीमेटम दिए थे DCP के साथ खड़े रहकर, वो बीजेपी के नहीं थे, अपोजिशन के थे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, मानते हैं उस बात को। इसीलिए तो 45 लोग मर गए, वो दूध के धुले हैं। उनको तो पता ही नहीं है ना कि दो दिन तक दिल्ली जलता रहा और वो कुछ एक्शन नहीं लिए, तो ये कह रहे हैं। ठीक है, देश देख रहा है। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। किसको सरकार, आप उनको जिम्मेदार नहीं देंगे? क्या मैं आपको जिम्मेदार खड़ा दूंगा? क्या मैं किसी और सरकार किसकी है? आपने क्यों ऐसा करने दिया? आपका आप क्यों दो दिन तक खामोश बैठे रहे? क्यों इतना आगे बात बढ़ी? क्या आपको नहीं रिपोर्ट्स आ रहे थे? पुलिस तो दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही है। पुलिस तो वीडियो है कि चार लड़के जमीन पर पड़े हैं, जख्मियों से चूर हैं, और पुलिस कह रही है कि पड़ो बड़ा जनगणमन, उसमें से सलमान मर गया है। और सलमान की माँ कहती है कि उसके जिस्म में गोली थी, खोपड़ी से खून बह रहा था, जबड़ा टूटा हुआ था। इसके इनकलाब एक्शन नहीं लेंगे? कैसे एक IB का ऑफिसर मर गया, बताइए? कैसे एक 15 साल का नितिन, जो एक पासवान साहब का बेटा है, 9वीं जमात का मर गया? कैसे रोहन सोलंकी मर गया? कैसे अकबरी बेगम, जो 25 साल की औरत थी, मर गई? कैसे चार मस्जिद पूरी जल गई? कैसे आप मस्जिद के ऊपर चढ़कर उस पर भगवा झंडा लगाते हैं? ये दिख नहीं रहा था सरकार को? बीना ही कमजोर हो गई क्या? मोतिया आ गया आंखों में? बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री इसके ऊपर? क्यों खामोशी बैठे? और प्रधानमंत्री की खामोशी पूरे देश में गूंज रही है, इनकी खामोशी देश में गूंज रही है। और प्रधानमंत्री अगर ये समझ रहे हैं कि भारत के सिटीजन 45 लोग जो मारे गए, जो करोड़ों लोगों की जायदाद का नुकसान हुआ, वो 120 अल्फाज के ट्विटर के मोहताज हैं, तो प्रधानमंत्री, हमारी भारत के सिटीजन की वैल्यू 120 वर्ड से ज्यादा है।